सर सैयद नेशनल स्कूल की बुनियाद 8 अक्टूबर 2014 को रखी गई और 2016 से तालीमी सेशन का आगाज हो गया। ये स्कूल मुजफ्फरनगर कांधला हाईवे से मुंसलिक गांव जौला में वाक़े है, जो दिल्ली से तकरीबन 110 किलोमीटर के फासले पर है। सर सैयद नेशनल स्कूल अपने तर्ज तामीर से लेकर तरीक़े तालीम और तरबियत के लिए शोहरत पा चुका है। सर सैयद नेशनल स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस के उसूल पर चलाया जा रहा है, ताकि क्वालिटी तालीम से हर वो तबका मुजयन और मुस्तफीद हो सके जो कल तक तालीम से कोसों दूर था। सर सैयद नेशनल स्कूल की खास बात यह है कि यहां हर तालिबे इल्म की इनफरादी और जुदागाना सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है, और जो तलबा कारकर्दगी के लिहाज से कमजोर होते हैं उनकी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाती है। स्कूल में हर हफ्ता टीचर्स की खुसूसी मीटिंग होती है, जिसमें बच्चों की परफॉर्मेंस का जायजा लिया जाता है और मजीद बेहतरी की कोशिश की जाती है। इन बच्चों की खुद एतमादी इसका सबूत है। I love to study here. Teacher love us a lot and make understand whatever we ask. I really enjoy to play with my friends in school garden. Me and my two siblings are here. All of us love so much that we don't like Sundays and holidays. We miss our school. When I first got admission in this school, my dream came true. I love all the things about this school. I like to do art and craft activity. We made a botanical garden with the plastic bottle. It looks amazing. तालीम के साथ साथ जिस पहलू पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है वो बच्चों की शख्सियत साजी है। It's a CBSE pattern school and our main focus is on educational background as well as on the perspective of values of the students. Basically these students are from very poor background and their atmosphere is not at all tolerable. Actually when they started speaking when I came here, they were like ruk ke taad rahe hain and those kind of words I was not able to understand. But when we came here and we taught them, and their parents are now saying, ma'am aapne to inhe badal diya hai, ye bilkul aise ho gaye hain ki agar hum kahin inhe lekar jate hain to hamare mehman hamare guests poochte hain that ki aapne kaun sa school mein admission karaya hai. To basically we are focusing on their values as well as education. Initially it was challenging. Our school at a remote village location in a riot affected area and with more than 50% students as first generation school goers. Nevertheless we try to put our best. Bachchon ka holistic development ho aur wo samaj ka kamyab tareen fard bankar nikle aur saath hi aala akhlaqi qadron aur behtareen insani ausaf se aarasta ho, yahi Sir Syed National School ka mission hai. Hamara pura education system do major heads mein operate karta hai. The first is our academic unit. हमारे टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो इस यूनिट के अंडर आते हैं। दो वी फॉलो सीबीएसई बेस्ड करिकुलम इन आवर स्कूल्स, पर पढ़ाते वक्त हम इंडिविजुअल अटेंशन अप्रोच पर फोकस करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे सभी बच्चों में क्यूरियोसिटी, इंक्यूजिटिवनेस और डिज़ायर टू इनोवेट जनरेट हो, जिससे कि हमारे बच्चे जो भी स्कूल में पढ़ते हैं सीखते हैं उसको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकें। और ऐसे में हम एजुकेटर्स के लिए सिचुएशन और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है, बिकॉज इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक अबाउट आर चिल्ड्रंस फ्यूचर। ये हमें सोचना है कि जब हमारे बच्चे पढ़ लिख कर के सोसाइटी में दाखिल होंगे तो वो किस तरह के इंसान बनेंगे, दूसरों के साथ किस तरीके से डील करेंगे, उनका कैरेक्टर कैसा होगा, वो किन वैल्यूज़ को फॉलो करेंगे। इन सब क्वेश्चंस को एड्रेस करना यकीनन हमारी ही जिम्मेदारी है, और इन सब का आंसर भी एक ही है, एंड दैट इज अलोंग विद गुड एकेडमिक स्किल्स वी हैव टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन ऑफ मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज ऑफ आवर चिल्ड्रन। वालदैन आज अपने बच्चों में गैर मामूली तब्दीली देखकर खुश और मुतमईन है, और उन्हें भी ये यकीन है कि सर सैयद नेशनल स्कूल का हर तालिबे इल्म
मुल्क व मिल्लत का रोशन सितारा बनकर चमकेगा। हमारी सभी फैमिली, मतलब घर में हमारे जितनी फैमिली है, हमारी फैमिली सभी बहुत खुश है मेरे यहाँ पे एडमिशन कराने से, कि मैंने भाई वहाँ पे एडमिशन कराया बच्चों का। सब बोल रहे थे कि अरे वहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हो, ये है वो है। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने बच्चों को आगे से आगे बढ़ाना है, उर्दू भी पढ़ाना है, सब कुछ पढ़ाना है। और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी खुश हैं, उनके दादी बाबा भी काफ़ी खुश हैं कि भाई बच्चे काफ़ी चेंज हो गए हैं वहाँ से, स्कूल जैसे ही पढ़ते हैं वहाँ पे काफ़ी उनमें चेंजेस हो गया है। सबको मतलब कि काफ़ी मैनर से बात करते हैं सबके साथ में, और पड़ोस में भी सभी कहते हैं कि भाई आपके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, काफ़ी प्रोग्रेस है बच्चों में, पहले वाली बात नहीं है। पहले तो स्कूल से आते थे, पढ़ाई की, घर पर नहीं की, कोई बात नहीं, सुबह उठ के गए गए, नई मर्जी नहीं भी गए, झगड़ा करते थे कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, छुट्टी करेंगे। यहाँ तो एक दिन भी छुट्टी नहीं करते हैं, खुश होकर अपने आप सुबह उठ जाते हैं, हम जगाते भी नहीं है बच्चों को, अपने आप रेडी हो जाते हैं, नहा धो के लंच वंच लेके अपने आप आ जाते हैं। मैं मानता हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर या आसपास का, मेरठ, सहारनपुर, बागपुर, जितना हमारा एरिया है आसपास का, हमारा मंडल जो पड़ता है मेरठ का, ऐसा स्कूल अभी तक हमने यहाँ नहीं देखा है। और स्कूल में जो क्वालिटी है, यहाँ का जो स्टाफ है, स्टाफ बहुत ही बहुत अच्छा स्टाफ है, वो हमारे बच्चे की तरबियत करते हैं। एजुकेशन तो आप कहीं भी किसी भी स्कूल से जाएंगे या अपने बच्चे को घर पे भी पढ़ाएंगे तो एजुकेशन तो कहीं से भी आदमी हासिल कर लेगा, लेकिन तरबियत हर किसी के बस की बात नहीं है। और मैं मानता हूँ कि इस स्कूल में जितना एजुकेशन के ऊपर फोकस है, उतना ही जो है तरबियत के ऊपर, बच्चों के ऊपर फोकस है। और पूरा मैनेजमेंट, पूरा स्टाफ जो है इस चीज़ को लेके मतलब फिक्रमंद है कि किस बच्चे का किस चीज़ के लिए का क्या एम होना चाहिए, वो बच्चे के अंदर देखते हैं, इस बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है, तो उसी हिसाब से उन लोगों ने बच्चों के लिए गोल रखा हुआ है कि इस बच्चे के अंदर ये क्वालिटी है, ये कल ये कर सकता है, ये बेटर कर सकता है। और टाइम टाइम पर वो बच्चों की जो है रिपोर्टिंग हमें करते हैं, हम लोग भी जाते हैं, स्टाफ से मिलते हैं। सर सैयद नेशनल स्कूल गांव में ज़रूर वाक़ है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में वो दूसरे स्कूलों से कहीं आगे है। सर सैयद नेशनल स्कूल, एज वी गो बाय द थीम ट्रूली लोकल अमेजिंगली ग्लोबल, we have tried to equip all our classrooms with the audio visual provisions where the teacher use digital curriculum. We have separate syllabus for digital curriculum which is used as a supporting material by the teacher. Every class has a separate WhatsApp group which is handled by the class teacher. These WhatsApp groups are used for sending circulars for important announcement, assignments, and there is a very positive feedback from the students as well as the parents that they love to produce their work. They send their pics to the teachers of the work done by them at home. The school also has a school app. It is playing a very important role in modernizing the entire teaching learning process. Lesson plan is prepared in advance and it is posted on the app. The students, they visit these lesson plans at home beforehand, on coming to the next week, like they come well prepared for the teaching learning process. आज के इस दौर में 350 से 625 रुपए मंथली लेकर इंग्लिश मीडियम में क्वालिटी एजुकेशन फराहम करना उन्हीं इदारों के लिए मुमकिन हो सकता है जो तालीम को खिदमत खल्क का जरिया समझते हों। मुजफ्फरनगर कैंपस की कामयाबी के बाद सर सैयद नेशनल स्कूल सहारनपुर, बागपत, मेरठ और हापुड़ में शुरू होगा।